नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, 8 बजे से। और अर्जुन जा रहा है स्कूल और मैं और अर्जुन के पापा जा रहे हैं घास काटने। तो आज अर्जुन के पापा की छुट्टी है तो हम ना पूरा पूरा दिन अब घास काटेंगे, आज कल और परसों। जी हाँ, और आज मैं दिन को यही आऊँगा, मतलब 3 बजे पिछली बस में, और फिर उसके बाद कल मैं ऊपरी बस में आऊँगा क्योंकि कल आ रहे हैं। कौन आ रहे? बच्चे, मतलब दूसरे घर के, शगुन, हनवी और रुद्र, जो आपने एक दिन देखे होंगे कुल सिखाते वक्त। जी हाँ दोस्तों, तो कल वो आ रहे हैं तो उसकी वजह से अर्जुन सीधा स्कूल से घर ही आएगा। कल आज नहीं, आ जाएगा ये नीचे घास काटने फाट में। तो चलते हैं, करते हैं अपने काम को कंटिन्यू। और ना मैं और अर्जुन लेट हो गए हैं और अर्जुन के पापा आगे आगे चले गए हैं तो वो ना हम पर गुस्सा करेंगे। चलो चलो, हो गया गाड़ी का टाइम। तो अर्जुन पहुंच गया है सड़क में, वो रहा, और यहाँ पर बैठे हैं मेरे साहब जी। और मैंने दराटियों को जो है पैनिंग कर लिया है और चलो काटते हैं घास। तो आज यहाँ से काटेंगे हम, देखते हैं कितना काटेंगे। ये रहा, और यहाँ से और साथ में देखो मकड़ी ने कैसा जाला बना रखा है, इतना सुंदर सा। तो चलिए जी, टाइम हो गया 11:30 और अभी हमने इतना ही घास काटा है, वहाँ से लेके काटा है हमने, वहाँ से यहाँ से होता हुआ और यहाँ को यहाँ से और ये इतना काटा है। और अभी वहाँ पर मेरे साहब जी एक पुल्ली बांध रहे हैं और अभी हम ना ये वाला काटेंगे, वहाँ से लेकर ये सारा जितना भी है ये वाला, और छाए छाए में काटेंगे अब, और फिर बाद में काटेंगे जब 1 बजे के बाद ना छाया आ जाएगी तो उसके बाद काटेंगे यहाँ का घास। तो चलो काटते हैं घास और करते हैं जल्दी से क्योंकि धूप बहुत जोर की।
तो चलिए जी, मेरे साहब जी लेके जा रहे हैं घास, गाय को पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं, और टाइम ना 1 बज चुका है और हमें अब भूख भी लग रही है, तो ये पिला के आएंगे जल्दी से पानी, और साथ में पीने के लिए भी लेके आएंगे ठंडा सा पानी। और ये थोड़ा सा यहाँ पर घास रह गया, इसको शाम को लेके जाएंगे हम ना। और कुछ इतना घास काटा है हमने, तो वहाँ से लेके ना आज कुछ इतना घास काटा हमने अभी, और वो नीचे तक वहाँ तक काटा अभी हमने, और अब काटेंगे हम 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद वहाँ से काटेंगे इस घास को हम लेके यहाँ तक, ख़त्म करना है इसको यहाँ तक ना, फिर यहाँ से नीचे कल सुबह, और उसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे सीधे दूसरे फ्लैट में। तो ये आ गए हैं पानी पिला के गाय को, और तब तक इन्होंने पानी पिलाया ना गाय को, तब तक मैंने एक घास टंगा के रख दिया पेड़ में, और चलते हैं अब खाना खाने। और देखो यहाँ पर गुंडा लाड़ी आ चुकी है, और दोस्तों ये रहे खाना लेके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों खाते हैं खाना, और ये है आज की हमारी अच्छी सी डेस्टिनेशन बैठने की, और देखो मेरे साहब जी कैसे थक के बैठ गए हैं। तो चलिए खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आज खाने में हम लंच लेके आए हैं आलू और न्यूट्री, और साथ में भटूरे बनाए हुए, और मेरे साहब जी देखो नमक के साथ खीरा खा रहे हैं, और साथ में लेके आए हम छाछ का बनाया हुआ झोल। तो दोस्तों अब हम इस साइड आ गए हैं घास काटने के लिए, और ये रहा इतना सा काटा है, और साथ में अर्जुन भी आ गया स्कूल से, और अर्जुन देखो क्या लेके आया है, ना जूस लेके आया है पीने के लिए, इसको पता है कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं ना, तो चलो पीते हैं ठंडा सा जूस और करते हैं फिर से काम। अभी तो ये उधर परली साइड है ना, और यहाँ से होते हुए बहुत ज़्यादा है दोस्तों अभी तो, चलो काटते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, और मम्मा पापा घास काट के अब पुल्ली को रख रहे हैं, ये देखो, और मम्मा दूसरी साइड है, अभी बताता मैं आपको, वो देखो। दोस्तों हम पहुँच गए घर में, और मम्मा यहाँ रोटी को बना रहे हैं, और पापा यहाँ रोटी को सेक रहे हैं। तो चलिए जी हमारा स्नान वगैरह हो गया है, हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं तीनों के तीनों, और खाते हैं खाना, और टाइम लगभग 8:30-9:30 हो चुका है टाइम, तो चलिए खाते हैं खाना जल्दी से। और खाने में बनाए सुबह की सब्जी है, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दी थी ना, क्योंकि शाम को थक के आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है, तो ये सुबह की सब्जी है, और साथ में दही और चपाती, और साथ में हरी मिर्च। तो चलिए खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी। चलिए दोस्तों हम आ गए खाना पीना खा के कमरे में, और अब ना थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है, और अब सीधा सो जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं जल्दी आपसे आगे वाली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी आपसे आगे वाली वीडियो में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ध्यान रखना।